गुरु का आशीर्वाद सदैव हम सबके लिए अत्यंत होता है। आज के इस शुभ अवसर पर मंच पर आसीन सद्भाव सत्कार एवं सद्गुणों के समन्वित सशक्त हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी हम सबके संरक्षक परम आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचन के द्वारा हम सभी को कृतार्थ करने सागर पर बोल रहा हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक सहजनवासी प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, पूर्व विधायक श्री जे एम सिंह जी, अश्वनी त्रिपाठी जी, अनिल सिंह जी, कियान कृष्णदीश के प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार सिंह जी, भारतीय स्टेट बैंक के जनरल मैनेजर श्री आनंद विक्रम सिंह जी, डीजीएम श्री संजीव कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए और गीडा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी हमारे उद्यमीगण, यहाँ के नागरिकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज यहाँ पर कियान डिस्टिलरी के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए की निवेश परियोजना की आधारशिला रखी गई है। मैं इस अवसर पर इस पूरी परियोजना के लिए इसे फाइनेंस करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को धन्यवाद करते हुए इसके प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार सिंह जी और उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, यह इथेनॉल का अत्याधुनिक प्लांट लग रहा है जो सड़े हुए अनाज से जितने भी जिसको आप घास कहते हैं, जिसको आप वेस्ट कर देते हैं, ये सभी से मिलाकर के इथेनॉल बनेगा। ग्रीन एनर्जी के एक नए केंद्र के रूप में सहजनवा का विकास होगा और यहां पर हजारों नौजवानों को रोजगार की सुविधाएं विकसित होंगी। एक अत्याधुनिक सोच और उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए श्री विनय कुमार सिंह को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और गीडा प्रशासन को, जिन्होंने समयबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके यहां पर समय से आवंटन, जमीन का आवंटन करना, समय पे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से फाइनेंस के लिए भारतीय स्टेट बैंक का आना और समय पर यह परियोजना जब खड़ी होगी तो इसके माध्यम से इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
डीजल और पेट्रोल के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि किसान के खेत में पैदा होने वाला अन्न या उसके खेत में जो घास पैदा होती है उसी को इथेनॉल के रूप में इस्तेमाल कर, उसी को इस्तेमाल करके इथेनॉल का निर्माण जब होगा तो यहाँ के किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और पेट्रो क्षेत्र में प्रदेश देश की सरकार को भी विदेशी मुद्रा को देने में विनिमय करने में पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि जो पैसा अभी पेट्रो डॉलर के रूप में दुनिया के बाजार में जाता है गल्फ कंट्रीज को जाता है वही पैसा हमारे किसानों की जेब में जाएगा और किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। सहजनवा क्षेत्र में इस प्रकार का उद्योग लगे ये एक कल्पना थी और भाइयों बहनों आप तो सब जानते हैं ये फैक्ट्री वहां लग रही है। देखिए यही सोच यही है फर्क सोच में। आज से 10 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इसी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी एक बूचड़खाना लगाना चाहती थी और हम लोगों ने उस समय यहां बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। उनको बूचड़खाना पसंद था तो एक बूचड़खाना लगा रहे थे, यहां के आसपास के सभी लोगों ने इस पे नाराजगी व्यक्त की थी और एक आंदोलन खड़ा हुआ था और बूचड़खाना लगने से रोका गया था। आज इसी क्षेत्र में किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए और कई गुना बढ़ाने के लिए एक इथेनॉल प्लांट का अत्याधुनिक इथेनॉल प्लांट का आधारशिला रखी जा रही है और इसके माध्यम से विकास की प्रक्रिया के साथ सहजनवा को गोरखपुर को पूर्वी उत्तर प्रदेश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। भाइयों मैं भी देख रहा था यहाँ पे एक डेयरी का भी निर्माण हो रहा है, यहां पर एक नया उद्योग पाइप निर्माण की उसके निर्माण का उद्योग भी यहीं पर लग रहा है। यानी ये दो बड़े उद्योग पहले से यहां पे लग रहे हैं और एक तीसरा उद्योग यहां लग रहा है। सोचिए यहीं पर 10 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार बूचड़खाना लगा करके इस पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर देती, कोई अन्य उद्योग नहीं लग पाता, लोगों का आना जाना दूभर हो जाता, किसान अपने जानवर को बचाने के लिए मजबूर होता और ऊपर से मनुष्य नहीं चील और गिद्ध मंडराते भी दिखाई देते। लेकिन आज यहां पे बूचड़खाना नहीं, आज तो यहां पर एक तरफ डेयरी लग रही है, दूसरी तरफ पाइप मैन्युफैक्चरिंग की एक नई अच्छी अच्छा प्लांट स्थापित हो रहा है और फिर यहां पर कियान डिस्टिलरीज के द्वारा अत्याधुनिक इथेनॉल प्लांट का भी निर्माण किया जा रहा है जो 1200 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर स्थापित होने जा रहा है। आप सोचिए आप में से कितने लोग होते जो बूचड़खाने में काम करने को तैयार होते। मुझे लगता है कि सहजनवा का तो कोई व्यक्ति नहीं काम करता और गोरखपुर का तो कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता, लेकिन डेयरी में तो बहुत सारे लोग काम करने को तैयार होंगे ना। डेयरी तो आधुनिक डेयरी है और दुग्ध कलेक्शन गांव-गांव में दुग्ध समितियों का गठन करके भी आप उसके माध्यम से भी उसके साथ जुड़ सकते हैं। दुग्ध समितियों का गठन करके और उस दुग्ध को वहां से दूध को गांव में एक जगह इकट्ठा करके वहीं से चीनी प्लांट में ले जाना और फिर वहां से डेयरी में पहुंच जाना, अनेक प्रोडक्ट उससे बनेंगे, दूध भी मिलेगा, दही भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, बटर भी मिलेगा, उससे अनेक अन्य उत्पाद तैयार हो सकते हैं। और ज्ञान डेयरी जो यहाँ पे अपनी डेयरी स्थापित कर रही है, प्रदेश की एक प्रतिष्ठित डेयरी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने इसके अपना बहुत अच्छा विस्तार किया है, बहुत अच्छा काम कर रही है और वह डेयरी यहाँ पर विकास के माध्यम से किसानों को भी समृद्ध करेगी और यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी देगी।
जल जीवन मिशन के अंदर आज हर घर नल की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर बिछाई जा रही है। अब तक की सबसे बड़ी योजना है और उसके लिए आधुनिक क्वालिटी के पाइप बने। आप सोचिए, जो पाइप आपको पानी पिला रहा है वह पाइप पता नहीं कहां से आता था, आपको भी नहीं पता, लेकिन अब आप भी कह सकते हैं कि हमारे यहां जो पाइप बिछाया जा रहा है ये पाइप भी हमारे सहजनवा में बन रहा है, उस प्रकार का उद्योग भी इसी सहजनवा में स्थापित हो रहा है। अभी तक आपको पता नहीं कि आपकी गाड़ी में जो डीजल और पेट्रोल भरा जा रहा है ये कहां से आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब इथेनॉल के वाहन आपके यहां चलेंगे और आपके यहां जो थोड़े बहुत मात्रा में अभी तक इथेनॉल उसके साथ मिक्स करने की व्यवस्था दी गई है, जब इसकी संख्या और बढ़ेगी, आप भी कह सकते हैं कि इथेनॉल कहीं और से नहीं, हमारे सहजनवा में ही इसका निर्माण हुआ है और हमारी गाड़ी इससे चलेगी। ग्रीन एनर्जी का एक नया माध्यम बनेगा, प्रदूषण कम होगा। पेट्रोल और डीजल से जो पॉल्यूशन होता है खतरनाक होता है, लक्स को खराब करता है, बहुत खतरनाक प्रदूषण होगा, लेकिन इससे इथेनॉल से जब जो वाहन चलेंगे उससे पॉल्यूशन कम होगा और उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी वह उतनी खतरनाक नहीं होगी, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। यानी जिसको आप कल तक वेस्ट कहते थे, फेंक देते थे, वह भी आपको एक नाम देगा और उसका एक माध्यम बनेगी, यह कियान बिस्लरी। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर आपने बदलती हुई तस्वीर देखी है। भारत के बारे में दुनिया का नजरिया बदला है, भारत विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, भारत में नए प्रतिमान विकास के स्थापित कर रहा है। हमारा भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 के उन समूह देशों की अध्यक्षता कर रहा है जिनकी दुनिया में पूरी जिनकी ताकत है, जिनका अर्थव्यवस्था पर अधिकार है, जिनके पास सैन्य ताकत है, जिनके पास रिसर्च की ताकत है, और G20 के देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा है, इससे बड़ी सौभाग्य और भारतवासियों के लिए नहीं हो सकती है, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज संभव हो पाया है। एक नए भारत का दर्शन भारत कर रहा है और इस नए भारत के दर्शन में हर भारतवासी के सामने एक संकल्प है। वह संकल्प है कि आगामी 25 वर्ष का एक कार्यकाल जो अमृत काल होगा, इस अमृत काल में हमें कैसे भारत का निर्माण करना है, उस विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बने, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तैयार होना होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा एक नशे से अपने आप को दूर करें, गलत संगति से दूर करें, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, विकास की एक सकारात्मक सोच, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की एक सोच, और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की सोच के साथ अपने आप को जोड़ना, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसी आवश्यकता के साथ आज उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में निवेश करना एक दूर की पौड़ी थी, लोग डरते थे क्योंकि कोई व्यक्ति सुरक्षित ही नहीं था। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित रहेगी, व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित, और इसलिए कोई आता नहीं था। जो पहले से आया था वो भाग रहा था, यहां से यूपी छोड़ के भाग रहा था,
भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी? 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान न उत्तर प्रदेश में नौकरी पाता था, और अगर उसने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो देश के अंदर भी उसके लिए कोई ठोर ठिकाना नहीं था। लोग अपने बगल बगल बैठने नहीं देते थे, मकान नहीं लेने देते थे, किराया का भवन नहीं लेने देते थे, छात्रों को हॉस्टल में जाने में दिक्कत होती थी, अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। यही समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी की इन सरकारों के संस्कार थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। लेकिन आज पहचान का संकट नहीं है। आज तो भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष के अंदर जो परिश्रम किया गया, डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जो योगदान दिया, आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। देश और दुनिया का हर निवेशक आज के दिन पर उत्तर प्रदेश आना चाहता है, और उत्तर प्रदेश आकर के वो अधिक से अधिक मात्रा में निवेश करना चाहता है। हमने फरवरी 2023 में प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। हमारी टीम ने लक्ष्य रखा था कि हम लोग 5 लाख करोड़ का निवेश करवाएंगे। मैंने कहा 5 लाख कम होगा, उत्तर प्रदेश के लिए 10 लाख का लक्ष्य रखो, और उन्होंने कहा चलिए 10 लाख तक अगर आप बोल ही रहे हैं हम लोग तय कर लेते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जब निवेशक आए तो कितने का प्रस्ताव हमारे पास आया? 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं हमारे पास। 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव का मतलब 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा। आप सोचिए, जो नौजवान अब तक मुंबई जाता था, पंजाब जाता था, बेंगलुरु जाता था, सूरत जाता था, अब उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके गांव और उसके घर में, उसके जिले में उसको नौकरी मिलेगी, और उसी नौकरी के लिए आपने देखा होगा पिछले दिनों जब मैं यहां आया था, गीडा में आया था, उस दौरान मैंने वरुण वेबरेज के एक प्लांट का आधारशिला वहां पे रखी थी, और वरुण वेबरेज के उस प्लांट के आधारशिला रखने के साथ ही हम लोगों ने वहां पर कार्य को आगे बढ़ाया था, और आज तो यहां पर अनेक नई संभावनाओं ने जन्म लेना प्रारंभ किया है, जिसमें यहां पर पिछले 5-6 वर्षों में वरुण वेबरेज ने लगभग 1100 करोड़ रुपए के निवेश के कार्यक्रम को यहां बढ़ाया है। आज कियान इंडस्ट्री 1200 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को यहां पे कर रही है। ये ज्ञान दूत सीपी मिल्क के रूप में यह भी 118 करोड़ रुपए का निवेश यहां कर रही है। तत्वा प्लास्टिक यह भी 105 करोड़ रुपए के निवेश का कार्यक्रम यहां कर रही है। यहां पर CWC का एक भंडारण निगम, यहां केंद्रीय भंडारण निगम के द्वारा भी यहां पर अपना एक भंडारण का कार्यक्रम बनाया जा रहा है, और आदित्य मोटर्स के माध्यम से भी यहां पर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। भाइयों बहनों, ये बीटी रावत पिछली सरकार जहां कूचड़खाना बना करके इसे प्रदूषण के हवाले करके इस पूरे क्षेत्र के माथे पे कलंक लगाना चाहती थी, आज उसी बीती रात में देखो कितने अच्छे उद्योग लग रहे हैं, और यहीं पे हम लोगों ने हरदी गांव में एक पॉलिटेक्निक का निर्माण भी कर लिया है। बहुत शीघ्र इसका निर्माण कार्य पूरा होगा, और उस समय अभी से मैं यहाँ जिला प्रशासन से कहूंगा कि पॉलिटेक्निक निर्माण के पहले उसकी स्वीकृति मिलने पर प्रयास होना चाहिए कि वहां पे जो ट्रेड वहां पे आए, वहां गीडा से जुड़े हुए उद्योगों से मिलते जुलते रहने चाहिए, जिससे वहां के नौजवानों को, जो वहां पे पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके इंटर्नशिप के कार्यक्रम के साथ हम गीडा के उद्योगों के साथ उन्हें जोड़ सके। पिछले दिनों आपने देखा होगा अंकुर उद्योग का इतना बड़ा अत्याधुनिक इस्पात प्लांट का हम लोगों ने यहाँ पे उद्घाटन किया था। ये सभी आधुनिक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से यहाँ निवेश भी हो रहा है, रोजगार भी मिलता है, और यहाँ के विकास के साथ आगे जुड़ने का कार्य भी हो रहा है।
या भीटी लावत में अभी हम लोग 207 एकड़ क्षेत्रफल में इस औद्योगिक निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें 160 एकड़ भूमि में यह सब कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। 60 करोड़ रुपए यानी इसमें इसके अलावा 25 एकड़ में एक गारमेंट पार्क का निर्माण भी यहां किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज दुनिया के मार्केट में रेडीमेड गारमेंट की बड़ी मांग है और रेडीमेड गारमेंट में आधी आबादी लग करके जो महिलाएं पहले से नौकरी कर रही हैं, वे तो अच्छा काम कर रही है, बाकी महिलाएं भी चाहती हैं कि हमें भी कुछ कार्य मिले। अगर हम उनकी ट्रेनिंग करवाकर उनको गारमेंट पार्क के साथ जोड़ दें और वहां एक एक यूनिट के साथ अगर 100-100 महिलाएं काम करती हुई वहां दिखाई देंगी, आप सोचिए हर महिला हर महीने 10 से 15 हजार रुपए अपना घर गृहस्थी के कार्य को संपन्न करने के बाद अतिरिक्त कमा सकती है और ये सभी कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। हजारों महिलाओं को यहाँ पे कार्य इसके माध्यम से प्राप्त हो सकता है और इसके लिए भी 101 भूखंडों का विकास यहाँ पर किया जा चुका है। यहाँ पे एक विद्युत सब स्टेशन का निर्माण किया जा चुका है और गीड़ा में ही भारत सरकार के सहयोग से एक प्लास्टिक पार्क के निर्माण का कार्य भी हो रहा है। भाइयों बहनों, जिसमें 92 यूनिट लगेगी और 5000 लोगों को सीधे सीधे नौकरी यहाँ पर उसके माध्यम से प्राप्त होगी, उसके लिए भी कार्यक्रम यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए सीटबेल्ट के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स भी समय के अनुरूप थोड़ा जमीन की कमी पड़ेगी, तो अब जमीन को विस्तार देने की बजाय हम ऊपर उसको वर्टिकल लेकर के जाएं, मल्टी स्टोरी बनाए, फ्लैटेड फैक्ट्री, एक ही भवन में कई कई फैक्ट्रियां काम कर सकती है और उसके लिए भी यहां पर एक गीडा में उस प्रकार का एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, उसका कार्य का शुभारंभ भी हो चुका है, उस कार्य को हम बहुत शीघ्र लेके जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, गीडा का तो विकास होगा ही होगा, हमारा जो दक्षिणांचल का क्षेत्र था भुड़ियापार और उसके आसपास के क्षेत्र में एक सरकार ने कांग्रेस के समय में, ये कांग्रेस और सपा जब भी मिलती है तो अनर्थी करती है, आपने देखिए भुड़ियापार में उन्होंने चीनी की फैक्ट्री लगाई, एक डंठल गन्ना पैदा नहीं होता, वो चीनी मिल एक दिन नहीं चली और बनी और उसके बाद वैसे ही वह कंडम भी हो गए, यानी एक दिन नहीं चली। आप सोचिए कितना बड़ा अन्याय किया इन्होंने प्रदेश की जनता पर, कि प्रदेश की जनता के पैसे से फैक्ट्री लगाई गई, फैक्ट्री एक दिन नहीं चली, एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली और फैक्ट्री आज स्क्रैप के भाव चली भी गई, समाप्त भी हो गई। आज उसी क्षेत्र में लगभग 8385 एकड़ भूमि में एक औद्योगिक नगर बसाया जा रहा है जिसमें अनेक उद्योग लगेंगे और दक्षिणांचल के जो युवा अभी तक नौकरी के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर होते थे, कोई थाईलैंड जाता था, कोई लाओस जाता था, कोई सिंगापुर जाता था, कोई म्यांमार जाता था, कोई कहीं और जगह जाता था, वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब भुड़ियापार क्षेत्र में ही उन लोगों को वहां पर नौकरी उपलब्ध होगी। इसके लिए अनेक कार्यक्रम प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए, निवेश मित्र पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। अब उद्योगपति को निवेश करने के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं करने काटना पड़ेगा, उसने अपना आवेदन दिया, निवेश सारथी ने उसके माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग की और ऑनलाइन सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद वह व्यक्ति जब निवेश करने के लिए आएगा, निवेश करने के साथ ही उसके सिंगल विंडो की सारी सुविधा उपलब्ध होती भी दिखाई देगी और जब उसका उद्योग पूरा हो जाएगा उसको इंसेंटिव भी मिलना है तो ये भी सब ऑनलाइन उसके खाते में पैसा चला जाएगा। भाइयों बहनों, किसी भी प्रकार की बाबूगिरी से मुक्त, किसी प्रकार की घूसखोरी से मुक्त,
शासन की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ हर नागरिक को उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक निवेश का एक बेहतरीन वातावरण बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और आज उसी कार्यक्रम के तहत मैं गीडा के अंदर आप सबके बीच में आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो सकारात्मक योगदान सहजनवा क्षेत्र के लोगों का, यहाँ के नागरिकों का गीडा के विकास के लिए प्राप्त हो रहा है, उस विकास की प्रक्रिया को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे यहाँ के अधिक से अधिक नौजवानों के लिए एक कार्यक्रम हो सके। मैं गीडा प्रशासन से एक बार और कहूंगा कि जितनी तेजी के साथ गीडा ने विकास करना प्रारंभ किया है, कुछ अच्छे स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर भी यहाँ के नौजवानों के लिए यहाँ पे स्थापित होने चाहिए। जो हाई स्कूल पास करने, आर्मी पास करने के बाद वह व्यक्ति बहुत पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, या हाई स्कूल के बाद वो चाहता है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ स्वावलंबन का आधार बनूं, परिवार की आजीविका का भी आधार बनूं, तो स्किल डेवलपमेंट का सेंटर स्थापित करके ट्रेनिंग दो और यहाँ की फैक्ट्री में उसके समायोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। सीएम इंटर्नशिप स्कीम का लाभ यहाँ डिग्री कॉलेज के या बेरोजगार नौजवानों की सूची तैयार करते हुए हम उन्हें उद्योग के साथ जोड़े, एक साल के लिए उद्योगों के साथ कुछ नौजवानों को जोड़ना, वह ट्रेनिंग ले, इस दौरान कुछ मानदेय उद्योग देगा, कुछ सरकार देगी, उस नौजवान को भी काम मिलेगा, सीखने का एक अनुभव होगा। अगर वह अच्छा काम करेगा, फैक्ट्री चाहेगी तो आगे उसको कंटिन्यू कर सकती है, नहीं तो सर्टिफिकेट लेकर के फिर कहीं अपना काम ढूंढ सकता है, उसको कार्य की कमी नहीं होगी। ऐसी अनेक स्कीम है जिन कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, और इसीलिए हमारा युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम बन सके। भाइयों बहनों, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने भी कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, और साथ साथ शिक्षा का केंद्र, शिक्षा कैसी होनी चाहिए और शिक्षण केंद्र कैसे होने चाहिए, अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है सहजनवा में। जाके देखिए आने वाले समय में पहले चरण में हर जिले में इस प्रकार का एक एक विद्यालय बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। हर जिले में गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, सामान्य नागरिक भी पढ़ेंगे, हर बच्चों को पढ़ाने की अत्याधुनिक शिक्षा हम विद्यालयों से देंगे, और सामान्य उस पर देखे केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर उसको आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं, और फिर हम उसे हर विकास खंड में अगले तीसरे चरण में लेके जाने वाले हैं। आप सोचिए, शिक्षा महत्वपूर्ण है, नौजवान जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था आज की जा रही है, आप देख रहे होंगे अनेक युवा, पिछली बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जब परीक्षा परिणाम आए थे तो उसमें 93 नौजवान ऐसे थे जिन्होंने मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग से कोचिंग ली और फिर परीक्षा में उनका सिलेक्शन हो गया, वे आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ट्रेनिंग ले रहे हैं और इसके बाद अपनी सेवाएं प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो निवेश हो रहा यह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ करके यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध कराएगा और किसानों की आमदनी को आगे बढ़ाने में, प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे, यहाँ पे SBI के GM आए हुए हैं, मैं उनसे भी इस बारे में कहूंगा कि SBI के द्वारा या बैंकर्स के द्वारा उद्योग में फाइनेंस करने की प्रक्रिया को और सरलीकरण किए जाने की आवश्यकता है, जिससे हर उद्योगपति तेजी के साथ निवेश की प्रक्रिया को आगे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सके, और समय समय पर हम लोग रोजगार मेला लगा करके नौजवानों को, उद्यमियों को लोन की सुविधा उपलब्ध करवा सकें तो उत्तर प्रदेश के CD रेशियो को हम लोग और अच्छा करने में हमें मदद मिलेगी। एक बार फिर से डिस्टिलरी के आज के भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर श्री विनय कुमार सिंह के और उनके पूरे परिवार के सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूं।
अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह उद्योग सदबद्ध तरीके से आगे बढ़ करके न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि देश के लिए एक नजीर प्रस्तुत करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।